हेलो गाइज, वेलकम टू फ्यूचर ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। इस चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके ऑल के ऊपर टिक करके रखें ताकि आपको इस चैनल के ऊपर एवरीडे शेयर मार्केट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँ तो आज सरकार ने बहुत ही बड़ा जो फैसला है वो लिया हुआ है और इस फैसले की वजह से मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा जो क्रैश है वो भी देखने को मिली, बाद में जो रिकवरी वो देखने को मिली। लेकिन एक इंडिविजुअल स्टॉक की मैं बात करूँ जैसे कि जो रिलायंस स्टॉक 7% तक की जो क्रैश है वो देखने को मिली। ऑयल नेचुरल गैस की मैं बात करूँ तो 13% की जो क्रैश है वो देखने को मिली। ऑयल इंडिया लिमिटेड के अंदर 14-15% की क्रैश देखने को मिली। चेन्नई पेट्रोलियम की मैं बात करूँ तो 4.5-4% की जो गिरावट है वो देखने को मिली। और मैंगलोर रिफाइनरी की मैं बात करूँ तो इस कंपनी के अंदर तो 10% तक के जो लोअर सर्किट है वो देखने को मिली। इतने जो सारे स्टॉक है उस कंपनी के अंदर जो गिरावट है उसकी रीजन की मैं बात करूँ तो जो सरकार ने फैसला लिया हुआ है वो जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई हुई है इसके ऊपर, तो जो कंपनी इंडियन कंपनी है वो जो पेट्रोल और जो डीजल की मैं बात करूँ जो एक्सपोर्ट कर रही है वो एक्सपोर्ट के ऊपर जो ड्यूटी है वो बढ़ाई हुई है, तो इसकी वजह से जो गिरावट है वो देखने को मिली है। आगे मैं बात करूँ तो जो अभी ज़्यादातर कंपनी क्या कर रही है, जो पेट्रोल और एक्सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा जो एक्सपोर्ट है वो कर रही है, तो जो गवर्नमेंट ने जो एक्सपोर्ट जो पॉलिसी है उनमें चेंज किया हुआ है। अभी जितनी भी जो कंपनी है वो जितनी सेल कर रही है उनमें से जो 50% की सेल्स है वो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर होनी चाहिए, तो इसके लिए जो आज ज़्यादा जो प्रेशर कंपनी के अंदर देखने को मिला वो इसी वजह से देखने को मिला है। आगे मैं बात करूँ कितना जो ड्यूटी है वो बढ़ाया हुआ है, तो डीजल के ऊपर पर लीटर 13 रुपये बढ़ाया हुआ है, पेट्रोल के ऊपर पर लीटर 6 रुपये बढ़ाया हुआ है और ATF के ऊपर पर लीटर 1 रुपया बढ़ाया हुआ है। और मैं आगे बात करूँ जो छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी जो लेस देन 2 मिलियन जो बैरल जो प्रोडक्शन कर रही है उनमें उनके लिए जो ये एग्जम्प्शन है जो ये जो ड्यूटी है वो नहीं लगेगी।